जब भी मेरा तबीयत खराब होता है, मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, उसके लिए थैंक यू। तबीयत खराब रहता है ना तो ये मेरा पैर वगैरह दबा देते हैं बढ़िया से, हाथ वगैरह, यहाँ सिर वगैरह, ये सबको ऐसे 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 कर देते हैं, अच्छा लगता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और गाइस, अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा देर पहले मुझे जबरदस्त वाला फीवर था, 5:30 बजे से ही बुखार, और अब भी कितना बज रहा है, रात के 9 बजने वाला है। अभी बुखार उतर गया है क्योंकि दवाई खा के बेड पर देख रहे हैं, 2 कंबल है, मैं 2 कंबल से ढपा के सो गई थी। और खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो मेरे हस्बैंड को मैं चाय बनवाई हूँ और मुढ़ी चाय मुढ़ी खाऊंगी। ऐसे तो कॉलेज से आकर के खाना मैं खाई थी। आप लोगों में से किसी का कमेंट आया था कि धूप से बचना करके, तो शायद मैं धूप में कॉलेज जा रही हूँ इसीलिए शायद मुझे बार बार फीवर हो जा रहा है। अभी तो बेटर फील हो रहा है इसलिए मैं ब्लॉग वीडियो शूट कर रही हूँ, सुबह से शूट नहीं की हूँ। सुबह तो कॉलेज गई थी, कॉलेज से आके भी मैं ठीक थी, एकदम कुछ नहीं था। कपड़ा वगैरह धोई, उतना सारा बर्तन वगैरह सारा धोई, और कपड़ा धोने के बाद उसके बाद से एकदम बुखार होने लगा। आज क्या है? सैटरडे। इसको आज सैटरडे ही सिर्फ मालूम है, और क्या है? सैटरडे का रात। तो गाइस, शायद इनको याद नहीं है, आज 27 तारीख है और आज हम लोग का 4 मंथ शादी का कम्प्लीट हो गया है, 4 महीना हो गया है शादी करके। और मैं सोची थी कुछ अच्छा करेंगे, कुछ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमारे नसीब में वो खुशी था ही नहीं। हम समोसा खा के आ गए थे। मेरे हस्बैंड समोसा खा के आ गए, मैं तो नहीं खाई हुई हूँ। माजा भी पिए? मेरे हस्बैंड का तबीयत ठीक है तो वो बाहर गए हुए थे, मैं तो बुखार से तो एकदम तड़प रही थी, तो कहाँ कुछ कुछ नहीं, एक मीठा भी तक भी नहीं, बस अभी मीठा पी रही हूँ, वो भी चाय। कल से ही सोच रही हूँ कुछ करूँगी, केक तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि उसमें भी तेल रहता है बहुत ज़्यादा, और क्रीम वगैरह उतना खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, 5-10 रुपये वाला केक ही लेके आएंगे और काटेंगे, ऐसा सोची थी, पर ऐसी खुशी हमारे नसीब में था ही नहीं। हमने पकड़ लिया होगा तुमको, बहुत पकड़ लिया सच है। हाँ, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि दुर्गा डैम को भूत पकड़ लिया, तुम डेली घूमी चुनी जाती हो। मैं भी भूत प्रेत भी होते हैं कभी कभी, मैं मानती भी हूँ कभी कभी नहीं भी मानती हूँ, भूत प्रेत दवा खा खा के जी रही हूँ किसी तरह। तो रात हो गया, फिर भी हैप्पी 4 मंथ एनिवर्सरी। खाने में भी जी आपको सेम टू यू तक नहीं बोल रहे, देख सकते हैं मेरे हस्बैंड बड़ा सा कप से, 1 कप लाल चाय ला दिए हैं और इसमें मुरी है, तो यही मैं खाऊंगी, और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। जब भी मेरा तबीयत खराब होता है, मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि ये खाना वगैरह सब कुछ बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, मतलब सारा काम कर ही देते हैं। जोर से तबीयत खराब होता है तो बर्तन भी धोने मदद करते हैं, क्योंकि आज से लेके 4 दिन हो गया मेरा तबीयत खराब होना, और भी बहुत जोर जोर वाला, तो आज भी खाना यही बनाए हैं, लेकिन खाना तो नहीं खा रही हूँ, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो यही मुढ़ी खाऊंगी और चाय और सो जाऊंगी। और ये ना मेरा पैर भी दबा देते हैं, हाथ पैर भी दबा देते हैं, बुखार होता है तब, नहीं तो फिर ऐसे में तो पूछता भी नहीं है। ऐसे में तो जा तुमको जो करना है करो वाला हो जाता, लेकिन हाँ जब भी मेरा तब बिना मतलब क्या दबाएं। और हम तो दबा देते हैं, इनका ड्यूटी से आते हैं थक जाते हैं, दर्द करता है, हाँ तो दर्द करता है ना, ड्यूटी से आते हैं और जब हम लोग सोने चल जाते हैं उसके बाद मियां बोलते हैं पैर दबा दो, तो मैं दबा देती हूँ, लेकिन जब से मेरा बुखार हुआ है तबीयत खराब, सब में एक दिन झूठ मत बोलो, जब जब बोले तब तब दबाए हूँ, और कभी कभी खुद से भी दबाई हूँ। तबीयत खराब रहता है ना तो ये मेरा पैर वगैरह दबा देते हैं बढ़िया से, हाथ वगैरह, यहाँ सिर वगैरह, ये सबको ऐसे 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 कर देते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरा सेवा करना जब तक मैं हूँ, मैं भी करूँगी, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, बुखार मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मेरे लिए केक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे हस्बैंड तो नींबू पानी पी रहे हैं, उनको ज़्यादा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, और मैं भी क्या ही बनाऊंगा, बस ऐसे ही, बस छोटा सा मिनी ब्लॉग। दुआ कीजिए गाइस मैं अच्छे से रहूं और आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाऊं, अगर मैं स्वस्थ रहूंगी तब तो अच्छा अच्छा ब्लॉग बना करके दूंगी। गाइस चलना फिरना ही मुश्किल हो जाता है तो कैसे ब्लॉग बनाऊं ना, बार बार ठीक भी नहीं लगता है कि आप लोगों को बताती हूँ तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, पर जेन्युइन गाइस तबीयत खराब।
मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाय। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा, धूप से बचिएगा और खूब सारा पानी भी पीजिएगा, ठीक है। बाय।